हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन पेपर है उड़ीसा का, और उड़ीसा के अंदर एग्ज़ाम हुआ है, उड़ीसा ओआर लिखा है इसे मैंने, उड़ीसा के अंदर एग्ज़ाम हुआ है सीएचएसएल का, सीएचएसएल, ठीक है। सीएचएसएल का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ऑन 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर 2023 को उड़ीसा के अंदर सीएचएसएल जो स्टेट लेवल पर होता है वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। और ए इस पेपर के अंदर जो है हमारे 1 to 150 क्वेश्चंस हैं, मतलब 150 क्वेश्चंस हैं। और हमारा जो कंसर्न रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर वो रहेगा करंट इवेंट से लेकर क्वेश्चंस, जो करंट इवेंट के क्वेश्चंस हैं ये लगभग आपको 35 के अराउंड क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर उनके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है बाकी वो आपके रीजनिंग के हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन है, या फिर मैथमेटिकल क्वेश्चन है जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने करंट इवेंट के क्वेश्चंस के साथ में। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, बी एन गोस्वामी डाइड रिसेंटली, ही वॉज अ फेमस आर्ट हिस्टोरियन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हु वॉज डिक्लेयर्ड द मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल ऑफ ICC वर्ल्ड कप 2023। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेविस हेड। ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे। क्वेश्चन नंबर 8, Who emerged as the champion in the women's football at 37 national game held in Goa? So, 8th question का यहाँ correct answer होगा, that is Odisha. Option A correct answer है. Who is the present chief minister of Sikkim? That is Prem Singh Tamang. Option B यहाँ पर हो जाएगा correct answer, question number 9. फिर हम बात करते हैं आगे question number 3 की तरफ, governor of Odisha कौन है? वो है रघुवर दास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अ रन ऑफ वोट वाज हेल्ड इन मिड नवंबर टू डिसाइड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो यहां पर नाम आएगा फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी होगा यहां पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन तेलंगाना स्टेट? दैट इज 119। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असेंबली इलेक्शन इज नॉट बींग कंडक्टेड इन नवंबर 2023। तो नागालैंड के अंदर इलेक्शन नहीं हुए हैं, बाकी तीनों राज्यों के अंदर इलेक्शन हुए हैं। विच सिटी हैज बीन चूजन बाई फीफा टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट AIFF एंड फीफा टैलेंट अकेडमी टू नर्चर द फुटबॉल टैलेंट इन इंडिया? तो यहाँ पर आंसर होगा 11th क्वेश्चन का भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच डेट द पुलिस कमिश्नरेशन डे इज सेलिब्रेटेड? दैट इज ऑन 21st of October। ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द डिप्टी स्पीकर ऑफ द ओडिशा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा श्री सलुगा प्रधान, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी वुमेन्स हॉकी वॉज हेल्ड इन रांची इन अक्टूबर नवंबर 2023, हु इमर्ज्ड एज अ चैंपियन? तो यहाँ पर आंसर होगा इंडिया। फर्स्ट फेज ऑफ प्रपोज्ड भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विल कंडक्ट भुवनेश्वर एयरपोर्ट टू विच प्लेस? दैट इज त्रिशुली स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भारत के कौन है? तो ये हैं आपके श्री हीरालाल समारिया। From which educational institute did श्रीमती द्रौपदी मुर्मू obtain the graduation degree? तो ये obtain करी इन्होंने रामा देवी वुमेन्स कॉलेज से, जो कि अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है, ठीक है। 54th International Film Festival of India started in Goa on 20th November 2023. Which film was the opening film of the festival? That is Catching Dust। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, श्री महेश्वर मोहंती डाइड रिसेंटली आफ्टर अ डिकेड इन पब्लिक लाइफ, हाउ मेनी टाइम्स वॉज ही इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली? सो ही वॉज इलेक्टेड एज अ 5 times, ठीक है। हु इज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान? दैट इज अनवर उल हक ककर, ठीक है। सॉरी, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? दैट इज जस्टिस DY चंद्रचूड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉन्ट्स द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2023? तो 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जॉन
फोर्स हु वॉन नोबल प्राइज फॉर पीस इन 2023। सो ये अवार्ड मिला है नरगिस मोहम्मदी को। टिल द एंड ऑफ नवंबर 2023, हु अमंग द फॉलोइंग इज नो लॉन्गर अ कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन फॉर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ द यूएसए आफ्टर हिज विथड्रॉल, दैट इज रॉन डी सेंटिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 24, विच टीम वॉन्ट्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन 37 नेशनल गेम हेल्ड इन गोवा। सो यहाँ पर रहेगा महाराष्ट्र। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड उड़ीसा टीम विंस इन 37 नेशनल गेम्स इन उड़ीसा गोवा। सो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 9। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन गेम्स, 19th एशियन गेम्स। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 26 का, दैट इज 28। सो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो गया 27। हाउ मेनी मेडल्स गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज डिड इंडिया विन इन 19। ओके तो देखिए गोल्ड की बात करी थी वहाँ पर और टोटल की बात करी गई है, तो टोटल है यहाँ पर 107, ठीक है 107। 20 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेयर स्कोर्ड द ओनली डबल सेंचुरी इन आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। सो यहाँ पर होगा ग्लेन मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट मेडल डिड किशोर जीना विंस इन द 19th एशियन गेम इन जेवेलियन थ्रो। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 28 का क्वेश्चन नंबर। सो दैट इज द आंसर इज ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी। व्हाट मेडल डिड इंडियन हॉकी टीम विन इन 19th एशियन गेम, तो दैट इज गोल्ड। विच इंडियन कॉमेडियन रिसेंटली वॉन द इंटरनेशनल एमिनी फॉर कॉमेडी। तो यहाँ पर नाम आएगा वीरदास का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर कौन है इसराइल के, दैट इज बेंजामिन नेतन्याहू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव, दैट इज मोहम्मद मुइजू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन वॉज बाय द ज्वाइंट इंडो बांग्लादेश फिल्म प्रोडक्शन विच वॉज रिलीज्ड ऑन अक्टूबर 2023, हु डायरेक्टेड दिस फिल्म। सो दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय द श्याम बेनेगल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच फिल्म वॉन्ट्स द बेस्ट ओडिया फिल्म इन 69th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड या फिल्म अवार्ड। सो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज प्रतीक्षा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म हिंदी अवार्ड इन द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंदर, यहाँ पर मिली है सरदार उधम, ठीक है। सो ये हो गए आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस, और उसके बाद हम बात करेंगे जो है आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो ये बीच में आपके रीजनिंग और डाटा एनालिसिस इन सब के क्वेश्चंस हैं, तो हम पढ़ते हैं सीधा 126 क्वेश्चन नंबर पे अराउंड, ठीक है। तो देखिए 126 से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस, दैट इज एक्सटर्नल बस। विच ऑफ दीज की इज नॉट अ नंबर ऑन कीबोर्ड, तो यहाँ पर आपका कंट्रोल जो है नंबर की वाले हिस्से पे नहीं होता है। कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड एज, ये क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ मॉडिफायर्स, ठीक है। 128 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, अ बार कोड इज ऑप्टिकल कोड दैट रिप्रेजेंट्स डाटा विद बार्स ऑफ वेरिंग विथ एंड हाइट। एम एस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। शॉर्टकट की फॉर डिस्प्लेइंग फुल पेज एज द इज ऑब्टेंड इन द प्रिंटेड इज अ। सो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल F2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 132 के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, सॉरी 31 के बाद 132 की बात करते हैं। इन MS Excel टू सेलेक्ट द एंटायर रो विच शॉर्टकट इज यूज्ड, सो इसके लिए शिफ्ट और स्पेस दबाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 132 में। 133, MS PowerPoint विच की कैन बी यूज्ड टू व्यू द स्लाइड शो, सो F5 आपको यहाँ पे यूज करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 133 का, हाँ सॉरी ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट इन MS Excel MS Office 2007।
सो ये होगा PPTX, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 134 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बात कर लेते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर द पेज ओरिएंटेशन। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट हाउ कैन यू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स, सो बाय प्रेसिंग F7। ऑप्शन ए डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू एड हेडर एंड फुटर इन द डॉक्यूमेंट, सो दैट इज इंसर्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मेन मेमोरी इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज रैम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन द MS Excel, सो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, Shift 11। प्रोसेसर कंटेन अ कंट्रोल यूनिट एंड अ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स व्हेन कनेक्टेड टुगेदर इन अ स्मॉल एरिया विदाउट हेल्प ऑफ द टेलीफोन लाइंस, दिस इज कॉल्ड एज अ लोकल एरिया नेटवर्क LAN। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम। 144 का यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑल्ट टैब। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, सो टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन टू ऑफ अ टेक्स्ट वी शुड प्रेस द होम की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इन अ पेज प्रीव्यू मोड यू कैन सी ऑल द पेजेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये क्या था, 144 हो चुका है, ठीक है ना, ऑप्शन ए है ना। 145, यू कैन एड अ हाइपरलिंक टू योर वर्कशीट बाय प्रेसिंग कंट्रोल की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। 145 नंबर, PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा यहां क्वेश्चन है, लास्ट के चार क्वेश्चन बचे हुए हैं। ओके, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल द वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, दैट इज ऑप्शन बी .docx। टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद अ डिफरेंट फाइल नेम वी शुड क्लिक ऑन द सेव एज फ्रॉम द फाइल मेन्यू। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप इन द टास्क बार। द एक्सटेंशन टू सेव फाइल इन MS Excel इज .excel.sh, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चन फ्रॉम द उड़ीसा, दैट इज उड़ीसा, एक सेकेंड, ओके, दैट इज उड़ीसा के अंदर आपका CHSL, ठीक है, जो आपका बेसिकली 10+2 लेवल पर एग्ज़ाम होता है, जो ठीक है उसके लिए कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, जैसे SSC CHSL कराता है वैसे स्टेट भी CHSL कराते हैं। तो वो एग्ज़ाम आपका हुआ था 17th of December 2023 को। इसके अंदर 150 क्वेश्चंस हैं और हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं और प्लस जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं किसी और सॉल्यूशन के साथ, किसी और पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।